C# WPF प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे WPF लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। सेलेक्ट कीजिए विजुअल C# में विंडोज और फाइनली WPF एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट बॉक्स डेमो VC3 और फिर क्लिक करते हैं ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन जनरेट कर देगा। अब सबसे पहले मैं इस विंडोज की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ। रन करते हैं इसको इस एज पे, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये हमेशा सेंटर में नज़र आए। इसके अलावा मैं इसकी टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ और मैं रिमूव करना चाहता हूँ मिनिमाइज और मैक्सीमाइज बटन्स को। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले करते हैं रिमूव मिनिमाइज और मैक्सीमाइज बटन को। सेलेक्ट कीजिए विंडोज को, प्रॉपर्टीज विंडो में चलते हैं और उसकी रिसाइज मोड प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं नो रिसाइज, तो ये रिमूव कर देगा मैक्सीमाइज और मिनिमाइज बटन को। अब नेक्स्ट चीज, मैं चाहता हूँ ये विंडो हमेशा सेंटर में नजर आए, तो विंडो स्टार्ट लोकेशन जो है उसको सेंटर स्क्रीन कर दें, रन कर दें तो आपके सामने है। और फाइनली मैं इसकी टाइटल को चेंज कर देता हूं और ये टाइटल प्रॉपर्टी है और मैं इसको कर देता हूं लिस्ट बॉक्स डेमो, रन कर दें तो आप देख रहे हैं हमारा फॉर्म डिजाइन हो गया है। तो अब ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को, और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल मैं ऐड कर देता हूं यहां पे आपके सामने है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम इसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, और नेम प्रॉपर्टी को आप इसको यहां से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सेव करना है या डालना है नेम ऑफ सिटीज, सो मैं इसको सिटी लिस्ट बॉक्स कर देता हूं इसके नेम को। इसके अलावा हम इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे, आप देख रहे हैं बड़ी आसानी के साथ आप करना कर सकते हैं। आप इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहे, लेकिन मैं इसको वाइट कर रहने देता हूं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है आइटम्स प्रॉपर्टी। अगर आप इसमें डिजाइन टाइम में कोई आइटम्स ऐड करना चाहे तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइटम्स, और अगर आपने कोई आइटम इसमें ऐड करना है डिजाइन टाइम में, जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड पे और ऐड हो जाएगा, ओके कर दें। और आप देख रहे हैं ऑल दो आइटम ऐड हो गया है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। इसकी एक वजह है, आपने उसका नाम उसके कंटेंट में कुछ देना है। इस केस में मैं इसको पहली वैल्यू देता हूं लंदन, क्लिक कर दें ओके, और आपके सामने ऐड हो गया। अब नेक्स्ट मैं कुछ और आइटम्स इसमें ऐड करना चाहता हूं, आइटम्स और दूसरे आइटम को मैं कर देता हूं कराची, तीसरे को मैं कर देता हूं न्यू दिल्ली, और फाइनली न्यूयॉर्क, और फिर क्लिक कर दें ओके, और आपके सामने। करंटली अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन कर दूं तो आप देख रहे हैं आप सिंगल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल की पे को दबाऊं तो आप मल्टीपल आइटम्स नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं सिलेक्शन मोड, उसको अगर हम मल्टी कर दें तो अब आप मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्सटेंडेड भी है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू एक्सटेंडेड, रन करते हैं और अब आप ये भी आपको मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट करके देता है। इस केस में डिफरेंस ये है कि अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट की है और आप इसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो बाकी डिसेबल हो जाएंगी,
लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल अगर हम मल्टीपल को यूज करते हैं और अगर हम हमने मल्टीपल आइटम सेलेक्ट की है और हम किसी पे क्लिक कर दें तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, आपको इसको याद रखना है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हो और जो भी नाम हम उसमें दें और बटन पे क्लिक कर दें तो वो आइटम यहाँ पे वो ऐड कर दें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, हम ऐड कर देते हैं एक लेबल कंट्रोल इसमें और फिर मैं इसकी कंटेंट को कर देता हूं एंटर सिटी नेम और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और फिर एक बटन कंट्रोल और मैं उसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देता हूं ऐड न्यू आइटम बटन और फिर ऐड न्यू आइटम इसकी कंटेंट। तो आप देख रहे हैं, इसके अलावा मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूं और इसमें चूंकि हम सिटी का नेम ऐड करेंगे तो सिटी टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल एज दैट। तो अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे अगर कोई आइटम मौजूद नहीं है तो ये हमें मैसेज देगा कि प्लीज सिटी इज रिक्वायर्ड, और अगर आइटम मौजूद है तो फिर इसको यहाँ पे ऐड करेगा। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, डबल क्लिक कीजिए और क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ सिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, अगर तो एम्प्टी है तो फिर क्या करो, मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो सिटी नेम इज रिक्वायर्ड। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। इस कोड को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये बेहतर तरीका है स्ट्रिंग डॉट एम जी, और फिर भी काम करेगा। इसमें अब थोड़ी सी इश्यू है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं तो आप देख रहे हैं काम, अब मैसेज नजर नहीं आ रहा क्योंकि आइटम मौजूद है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेस दे दूं तो ये फिर मैसेज नहीं दे रहा ऑल्दो ये एम टी है। तो हमने इसको इम्प्रूव करना है और मैं इसके साथ लिख देता हूँ डॉट ट्रिम। ट्रिम का क्या मकसद है कि जो भी स्ट्रिंग हम इसमें ऐड करेंगे, जो भी स्ट्रिंग ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू ऐड करेंगे, वो उसके से पहले भी स्पेस अगर होगा रिमूव कर देगा और उसके बाद का भी स्पेस होगा वो रिमूव कर देगा। तो चूंकि इस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस के साथ कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो अब चूंकि हम ट्रिम ने हमने यूज किया है तो वो इस एम्प्टी स्पेस को रिमूव कर देगा और हमें मैसेज शो करेगा। फाइनल चीज हमने क्या करनी है, जब ये मैसेज शो करे और हम क्लिक ओके कर दें तो ये कर्सर यहां पे दे आए। तो किस तरह, बहुत आसान, सिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, रन कर देते हैं अगेन, स्पेस दे देता हूं मैं, सिटी नेम इज रिक्वायर्ड और आप देख रहे हैं फोकस को ले आया लेकिन स्पेस स्टिल मौजूद है, हम चाहते हैं ये स्पेस भी यहां से खत्म हो। तो किस तरह, यहां पे कोड लिख देंगे सिटी टेक्स बॉक्स डॉट क्लियर, तो रन कर दें, अब मैं सिर्फ स्पेस देता हूं, दे रहा है और आप देख रहे हैं वो वहां से चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहां पे कुछ लिखेंगे लेट्स से लाहौर और फिर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये यहां से इसको लेके ऐड कर देगा, इसको क्लियर कर देगा और कर्सर डाल देगा। बहुत आसान, कर देते हैं इसको भी। सो एल्स वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स की डाल दो लिस्ट बॉक्स में, तो सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और आइटम कहां से आ रहा है, सिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से, और इसके बाद
सिटी टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दो और उसमें फोकस डाल दो। रन कर देते हैं और मैं ऐड करता हूं लाहौर। आप देख रहे हैं हम ऐड कर सकते हैं इसके अलावा लीड्स और हम ऐड कर सकते हैं। अगरचे इस कोड में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं हमने ये कोड यहाँ पे भी ऐड किया है और इफ स्टेटमेंट में भी है। तो हम इसको, इसका एक बेहतर तरीका ये है कि इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसको यहाँ मूव कर देते हैं। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चूंकि दोनों में है तो एक दफा लिख देना चाहिए और पहले ये एग्जीक्यूट करेगा और फिर इन दोनों को। तो सेम कोड है, अगर यहाँ पे है तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको। रन करते हैं अगेन। लेट्स से मैं यहाँ पे स्पेस दूँ, सिटी नेम इज रिक्वायर्ड और फिर आप देख रहे हैं फोकस भी है और क्लियर भी कर दिया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लाहौर को ऐड करूँ तो आप देख रहे हैं सेम तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बेहतर तरीका है इस तरह का कोड करने का। नेक्स्ट चीज अब मूव होते हैं। मैं चाहता हूं अगर हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके आइटम्स को रिमूव करना है तो उसको किस तरह करेंगे। कॉपी कर देते हैं इसको और फिर मैं पेस्ट कर देता हूं। अब इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं और मैं इसको कर देता हूं रिमूव आइटम बटन और मैं इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को कर देता हूं रिमूव आइटम। और फाइनली देखते हैं इसके लिए क्लिक इवेंट को हम जनरेट करते हैं और क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, दो तरीके। पहले तरीका हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कोई आइटम सेलेक्ट है या नहीं। अगर सेलेक्ट नहीं है तो मैसेज शो करेगा, अगर सेलेक्ट है तो फिर आइटम को रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले इफ कंडीशन डालते हैं कि कोई आइटम सेलेक्ट है या नहीं। सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, अगर कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्टेड इंडेक्स होगा -1। इसीलिए हम ये कंडीशन डालते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है अगर कोई भी आइटम लिस्ट बॉक्स में सेलेक्ट नहीं है तो उसका सेलेक्टेड इंडेक्स क्या होगा, -1। और फिर मैसेज शो करो, मैसेज क्या होगा, सेलेक्ट एन आइटम टू रिमूव, सिंपल एज दैट। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है तो मैसेज शो कर रहा है। इसको क्लिक कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं सेलेक्ट है तो सेलेक्टेड इंडेक्स इसका 2 है। क्यों, 0 से स्टार्ट होता है 1, 2। तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है और ये हमें कोई मैसेज शो नहीं कर रहा। अगर तो आइटम सेलेक्ट है फिर इसको रिमूव करो। दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, दूसरा है रिमूव एट। तो पहला रिमूव करते हैं और इस केस में हमें चाहिए रिमूव आइटम। सो सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम हमने यूज करना है। अगर हमने रिमूव यूज करना है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्टेड आइटम। रन कर दें, कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है, मैसेज शो कर रहा है और आप देख रहे हैं अब सेलेक्टेड आइटम को रिमूव कर रहा है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं रिमूव एट भी, सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट। और इस केस में आपसे इंट मांग रहा है तो ये सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स आपने यूज करना है। तो अगर आप रिमूव एट यूज कर रहे हैं तो आपने सेलेक्टेड इंडेक्स यूज करना है, अगर आपने रिमूव यूज करना है तो आपने सेलेक्टेड आइटम यूज करना है। रन करते हैं, सेलेक्टेड उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था। अब हम क्या ऐड करेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि हमें बताए कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट बॉक्स में। तो वो भी ऐड कर देते हैं। एक और बटन, इसी बटन को कॉपी कर देता हूं मैं और पेस्ट
डिलीट कर दिया मैंने इसको, पेस्ट करना है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को मैं आप कर देता हूँ सेट। सबसे पहले काउंट बटन और फिर काउंट, और इसके बाद क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं। और मैं मैसेज में शो करना चाहता हूं कि कितने आइटम्स हैं, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो टोटल आइटम्स। और सिटी लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट, सिंपल एज दैट। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज करना है। रन कर देते हैं और टोटल आइटम्स 4 है। अब मैं एक और ऐड करूं और अब 5 हो गए। अब फाइनल चीज मैं एग्जिट बटन को भी ऐड कर देता हूं इसमें, तो इसको कॉपी कर दें और फिर पेस्ट कर देते हैं और इसको यहां पे यहीं डाल देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करता हूं मैं और इसको कहता हूं एग्जिट बटन और एग्जिट, और क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं इसके लिए और एग्जिट कर देते हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट शटडाउन। रन कर देता हूं मैं, सॉरी ये एरर दे रहा है। और एग्जिट, आपने WPF एप्लीकेशन को application.current.shutdown से एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा।